अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल, जो कि 300 से लेकर 327 सीआरपीसी तक है। उसमें हमने 300 से लेकर 319 तक कंप्लीट कर लिया है। 320 अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि एक पार्ट हमने खत्म कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि 411 आईपीसी से स्टार्ट है और हम आईपीसी के साथ ही पढ़ेंगे। 411 क्या कहता है, ये आईपीसी का सेक्शन है यहाँ पर, ठीक। इस साइड में है जो अपराध है वो, और इस साइड में जो है वो है कि किसके साथ आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, यानी कौन कंप्रोमाइज कर सकता है। तो आइए जानते हैं और स्टार्ट करते हैं 411। 411 कहता है दिस हॉनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन। अब एक बार क्या है कि कोई भी सामान रिसीव करना ये जानते हुए कि ये चोरी का सामान है, आप जान रहे हैं कि वो चोरी का है, तब भी आप उसको रिसीव कर लेते हैं, तो आईपीसी की धारा 411 आप पर लगेगी और इसके तहत आपको 3 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। लेकिन ये कंप्रोमाइज भी किया जा सकता है। कौन कंप्रोमाइज करेगा, जो उस चोरी के सामान का ऑनर था, यानी जो मालिक था चोरी के सामान का, वो चाहे तो आपको छोड़ सकता है, आपके साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद 414 आईपीसी असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन। अब किसी भी चोरी के सामान जानते हुए कि वो चोरी का सामान है, आप उसको छुपाने में या फिर उसको डिस्पोजल करने में, यानी उसको खत्म करने में आप मदद करते हैं, तो भी आप अपराधी हैं। 414 आईपीसी के अंदर आप पर केस दर्ज होगा और आप 3 साल तक की सजा पा सकते हैं और फाइन भी हो सकता है। लेकिन ये कंप्रोमाइजेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा, तो जो ऑनर है उस स्टोलन प्रॉपर्टी का वही कंप्रोमाइज करेगा। उसके बाद चीटिंग 417, अब ये भी कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन करेगा कंप्रोमाइज, तो जिसको आप चीट करेंगे। अब चीटिंग बाय पर्सोनेशन 419, कौन कंप्रोमाइज करेगा, जिसको आप चीट करेंगे। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना जरूरी है। चीटिंग जो आईपीसी 417 पनिशमेंट का बात करता है, चीटिंग मतलब होता है आप किसी को खुद के बल पर ठग रहे हैं, खुद के, मान के चलिए आप एक दुकान गए, ठीक है, और दुकान में जाने के बाद आपने कहा कि मैं बीस बगल में रहता हूँ, थोड़ा ही दूर में मेरा घर है एक, वहाँ पर मैं रहता हूँ, तो मुझे सामान दे दो उधारी। वो क्या समझेगा कि आपका घर है कि नहीं, आप देखने में भले आदमी लगे, वो क्या किया आपको सामान दे दिया, आप वहाँ से रफू चक्कर, अब आप आए ही नहीं पैसा लौटाने, तो आपने चीटिंग किया है किसके साथ, उसके साथ, क्योंकि आपने क्या बताया था कि मेरा घर वहाँ है, घर तो आपका वहाँ ही नहीं, वो वहाँ गया तो आपको घर मिला नहीं, ये हो गया चीटिंग। अगर आप ऐसा करते हैं तो 417 के अंदर आप पर केस दर्ज होगा और आपको 1 साल तक की सजा मिल सकती है। और लेकिन कंप्रोमाइजेबल है ऑफेंस, कौन कंप्रोमाइज करेगा, जिसको आप चीट करेंगे वो करेगा। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अब इसमें इसका मतलब क्या है कि आप किसी का रूप ले लेते हैं, यानी कि आप खुद को बताते हैं कि मैं यहाँ का आईएएस हूँ, या तो आप पुलिस के गाड़ी में घूम रहे हैं, पुलिस के गाड़ी से जाते हैं किसी दुकान पर, सामान ले लेते हैं, बोलते हैं मैं यहाँ का थानेदार हूँ, हाँ, और मुझे सामान दो, कल पैसा ले लेना। अब वो क्या करेगा, वो तो समझेगा भाई दरोगा बाबू आए हैं, इनको पैसा सामान नहीं देंगे तो छीन के चले जाएंगे, वो क्या करेगा आपको सामान दे देगा। अब सोचेगा ये कल आएगा पैसा देगा, अब वो आदमी क्यों आएगा, क्योंकि वो तो रूप लिया था। तो ये हो गया चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब जिसका भी आपने रूप लिया था, हालांकि पुलिस का रूप लेना कानून अपराध है, दूसरे टर्म में भी हमने एक एग्जाम्पल बोला, किसी का भी ये बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा आदमी हूँ या कुछ भी, तो ऐसा करके ठक लेगा आपको, तो फिर 419 के अंदर उस आदमी पर केस दर्ज होगा, लेकिन कंप्रोमाइजेबल ऑफेंस है, कौन करेगा, जिसको आप चीट करेंगे, ठीक। उसके बाद फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स। इसमें कहा जा रहा है कि धोखेधड़ी के रूप में, यानी धोखा से आप अपने सामान को, प्रॉपर्टी को हटा देंगे या छुपा देंगे, किस पर्पस से, आपका पर्पस ये रहेगा कि जिससे आपने पैसा लिया था उसको पैसा ना देना पड़े। अब वो आपके घर पे, फॉर एग्जांपल, एक आपने किसी से पैसा लिया, जिससे आपने पैसा लिया वो आपके घर पे आया और बोला कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम प्रॉपर्टी दो, वो आपको दिखाएगा मेरा प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, प्रॉपर्टी तो वो छुपा लिया अपना, जो भी या हटा दिया, जो भी वो काम करती है अपना प्रॉपर्टी के साथ, तो प्रॉपर्टी आपको दिखा नहीं। तो अगर ऐसा करता है वो बार बार, तो 421 के अंदर उस पर केस दर्ज हो जाएगा। 421 पे केस दर्ज होने के बाद अगर साबित होता है तो फिर उसको 2 ईयर्स का सजा हो सकता है, 2 साल का सजा और फाइन भी हो सकता है। लेकिन कंप्रोमाइजेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा, जो क्रेडिटर उसको पैसा दिया था, जो इफेक्ट हुआ है उससे, वो चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद 422 आईपीसी 422 है, बोलता है फ्रॉडेंटली प्रिवेंटिंग फ्रॉम बींग मेड अवेलेबल फॉर हिज क्रेडिटर्स ए डेब्ट और डिमांड ड्यू टू द ऑफेंडर। इसमें कहा जा रहा है कि आप ना
किसी भी आदमी से, यानी ऊपर हमने पढ़ा कि वो प्रॉपर्टी छुपाता है, 422 में हम पढ़ रहे हैं कि वो खुद को ही छुपा लेता है, ठीक है। जैसे जैसे हमने पहले कहा कि आपने किसी से पैसा लिया, ठीक है, अब वो आदमी आपके फिर घर पे आया, तब आपने कहा कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, अब आप ही नहीं मिलेंगे उसको, आपके घर से कोई बाहर निकला और कहा कि भैया जी वो तो है ही नहीं, वो खुद को ही छुपा रहा है, वो आपके घर के पास से ही नहीं गुजर रहा है, तो मतलब जब वो खुद को छुपा रहा है तो हो गया इसका मतलब कि वो अपराध कर रहा है 422 के अंदर, IPC 422 उस पर लगेगा, ठीक है। और 422 अगर लग गया और साबित हो गया तो सेम 2 ईयर्स 2 साल तक का सजा और फाइन हो सकता है, लेकिन कंप्रोमाइज़ कर सकता है। कौन कंप्रोमाइज़ करेगा? वही क्रेडिटर जो ऊपर था, यहाँ भी जो उसको पैसा दिया रहेगा वो चाहे तो उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकता है। उसके बाद 423 IPC 423 कहता है फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन। इसमें कहा जा रहा है कि झूठा एक डीड बना लेना, यानी कागजात वसीयत जो भी, एक झूठा डॉक्यूमेंट तैयार करना और कंसीडरेशन भी लेना, यानी कि आप फॉर एग्जांपल जानिए कि एक प्रॉपर्टी है जिसका आपने एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवा लिया, और जिसका वो प्रॉपर्टी है उसके नाम से कुछ उसमें लिख भी लिया, सिग्नेचर भी करवा लिया, ठीक है, ऐसा आपने कर लिया। लेकिन अगर आप पकड़ाए जाते हैं तो आप पर 423 IPC 423 धारा के अंदर केस होगा और आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है अगर ये साबित होता है तो, और अदरवाइज कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? जो उसके जो उससे इफेक्ट होगा, जिसको फर्क पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? जिसका वो प्रॉपर्टी था, वो जिसका आपने फॉल्स स्टेटमेंट बनवा लिया था वो, या तो फिर जिसको आपने बेचने का प्रयास किया था या बेच दिया वो, इन दोनों में से कोई भी कंप्रोमाइज़ कर सकता है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बोल दिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है वही कंप्रोमाइज़ कर सकता है जिसका वो प्रॉपर्टी होगा। उसके बाद 424 IPC बोलता है फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। 424 वही बोल रहा है कि धोखा से किसी भी प्रॉपर्टी को हटा देना या उसको छुपा लेना। अब आप बोलेंगे तो 421 424 में क्या अंतर है? उसमें भी तो यही बात था कि प्रॉपर्टी को छुपा लेता है क्रेडिटर के डर से, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब वहाँ पर था जो आपको पैसा प्रॉपर्टी देखकर नहीं दिया था, यहाँ पर क्या है आप गिरवी रख देते हैं कोई सामान। फॉर एग्जांपल आपने किसी से पैसा मांगा, वो आपको पैसा नहीं दे रहा, तो आपने उसको एक पेपर पकड़ा दिया, ठीक है, एक जो भाई ये पेपर ले लो, जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा तब तक मेरा पेपर मत देना, ठीक है। अब वो क्या किया, आपसे पैसा तो ले लिया, पेपर आपके पास है, लेकिन उसने दूसरा पेपर निकलवा के दूसरे को जमीन बेच दिया, जो भी प्रॉपर्टी का पेपर आपके पास था वो बेच दिया, या उसको फिर से बैंक में ले जाकर फिर से लोन ले लिया, जो भी किया। तो ये यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि पेपर आपके ही पास है लेकिन सामान अब आपके पास नहीं आ सकता, ये फ्रॉड कर लिया वो, तो 424 धारा के अंदर केस होगा, और केस होने के बाद अगर साबित होता है तो फिर 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। और कौन कंप्रोमाइज़ करेगा? जिसके साथ आप ऐसा करेंगे, जिसके पास वो पेपर है वो कंप्रोमाइज़ कर सकता है। उसके बाद 426 IPC बोलता है मिसचीफ व्हेन द ओनली लॉस और डैमेज कॉज इज लॉस और डैमेज टू अ प्राइवेट पर्सन। 426 बोल रहा है कि मिसचीफ, पहले मिसचीफ मतलब क्या होता है? मिसचीफ मतलब होता है नुकसान, ठीक है। अगर नुकसान किसी का हो जाता है, छोटा मोटा नुकसान अगर हो जाता है तो 3 मंथ का सजा हो सकता है, ठीक है, 3 मंथ तक का सजा होगा। और 427 बोल रहा है कि अगर 50 रुपये से ज़्यादा का किसी का लॉस हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपको जो सजा होगा वो 2 साल तक का सजा हो सकता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। 426 427 दोनों बात दोनों सेम ही बोल रहा है, लेकिन 426 क्या है, सिंपल है, 3 मंथ तक का सजा हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि 50 रुपये से ज़्यादा का नुकसान अगर हो गया है, 50 रुपया या उससे ज़्यादा, तो 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है, लेकिन कंप्रोमाइजेबल ऑफेंस है। कौन कंप्रोमाइज़ कर सकता है? वो कंप्रोमाइज़ करेगा जिसको ये लॉस हुआ है, आपके कारण जिसको लॉस हुआ, डैमेज हुआ, वो आदमी चाहे तो कंप्रोमाइज़ कर सकता है। मिसचीफ का मतलब जान गए ना, नुकसान, किसी भी तरीके से किसी का नुकसान अगर हो जाता है उसको बोलता है मिसचीफ। उसके बाद 428 पे आते हैं, IPC 428 बोलता है मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल्स। इसका मतलब है आप किसी भी मतलब लॉस करते हैं किसी भी जानवर को मार के या उसको अपाहिज करके, ठीक है, किसी भी जानवर को आप या तो अपाहिज कर देते हैं या मार देते हैं, तो किसका नुकसान हो जाता है? जो ऑनर है एनिमल का, उसको नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान अगर वो चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है, जो ऑनर था उस जानवर का, ठीक है। लेकिन अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करता और ये साबित हो जाता है कि आपने ऐसा किया, तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद 429 क्या बोलता है, मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल एक्सेट्रा। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी कैटल को आप मारते हैं या उसको अपाहिज बनाते हैं तो आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है, कैटल।
तो यहाँ और यहाँ पर एक चीज और मेंशन यहाँ पे किया नहीं गया है, जो 50 रुपए या 50 रुपए से अधिक का मूल्य का जानवर है उसको अगर आप मार देते हैं तो वो 429 के अंदर ही आता है, ठीक है। 429 के अंदर आपको सजा मिलेगा, 5 साल तक का सजा आपको मिल सकता है, लेकिन कंप्रोमाइजेबल है। कौन कंप्रोमाइज करेगा? जो उस कैटल और एनिमल का मालिक है वो करेगा, ठीक है। अब इसमें इसके कैटल के अंदर अंदर आएगा कौन? फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं काऊ आ सकता है, एलिफेंट आ सकता है, ऑक्स आ सकता है, जितना भी बड़ा जानवर है वो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद निश्चय बाय इंजरी टू वर्क ऑफ इरिगेशन बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर व्हेन द ओनली लॉस और डैमेज कॉज लॉस और डैमेज टू प्राइवेट पर्सन। इसमें कहा जा रहा है कि अब कोई सिंचाई है, कोई खेत का सिंचाई होना है, अब आप उस पानी को मोड़ देते हैं कि उसके खेत में पानी ना जाए, सिंचाई ना हो, उससे जो उसका नुकसान होगा ना, वो अगर ऐसा नुकसान होता है जो वो 430 के अंदर आप पर केस कर सकता है, 430 के अंदर आप पर केस करेगा और आपको 5 साल तक की सजा मिल सकती है। लेकिन ये कंप्रोमाइजेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा? जो वो लॉस से सफर करेगा, ठीक, जिसका वो खेत है वो चाहे तो आप पर केस करेगा, 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है, प्लस फाइन भी हो सकता है, अगर वो चाहे तो कंप्रोमाइज भी कर सकता है। उसके बाद 447 आईपीसी बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास का। तो क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब आपराधिक सोचकर किसी अपराध के लिए किसी के घर नहीं, किसी के जमीन में, किसी के प्रॉपर्टी में घुस जाना। अब यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टी का मतलब उसका खेत हो सकता है, खेत में घुस कर खेत को आग लगा देना, ये भी एक क्रिमिनल ट्रेसपास है। उसके तबेला है एक, उस तबेले में जाके उसके जानवर को मार देना, ये भी एक क्रिमिनल ट्रेसपास है। मार देना अलग केस हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास तो होगा ही, प्लस अगर उस घुसता है और उसको मारने का प्रयास करता है, ये भी क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया। मारता नहीं है, प्रयास करता है, ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया। तो 447 के अंदर आप पर केस दर्ज होगा, और केस दर्ज होने के बाद अगर ये साबित हो जाता है तो 3 मंथ आपको सजा हो सकता है, 3 महीने का, और फाइन 500 रुपया हो सकता है। मैंने क्या कहा था, ध्यान रखिए, जानवर को मारा नहीं है, इंटेंशन के साथ सिर्फ घुसा था, ये हो गया क्रिमिनल ट्रेसपास। उसके बाद ये कंप्रोमाइजेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा? जो भी जिसके पोजीशन में आप गए थे, जिसका प्रॉपर्टी था, वो प्रॉपर्टी वाला चाहे तो आपके साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद हाउस ट्रेसपास, तो हाउस ट्रेसपास मतलब क्या है, अब ऊपर क्या था, किसी भी प्रॉपर्टी में, खेत में, तबेले में, कहीं भी उसके बिजनेस के काम में कहीं भी जाना। हाउस ट्रेसपास मतलब होता है जहां वो रहता है सोता है, उस जगह पर अगर आप ट्रेसपास करते हैं तो आपको ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास 448, तो आपके साथ कंप्रोमाइज कौन कर सकता है? जिसका वो घर है वो चाहे तो आपके साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। अगर कंप्रोमाइज नहीं करता और प्रूव हो जाता है तो 1 ईयर का आपको सजा हो सकता है और 1000 रुपया फाइन भी हो सकता है। उसके बाद अब है हमारा आईपीसी सेक्शन 451 क्या बोलता है, हाउस ट्रेसपास टू कमिट एन ऑफेंस अदर देन थेफ्ट पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट। इसमें कहा जा रहा है कि आप हाउस ट्रेसपास कब होता है, जब आप बिना कंसेंट के किसी घर में घुसते हैं तभी ट्रेसपास होता है, ठीक है। अब आप हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं किसी अपराध करने के उद्देश्य से, जो कि अपराध चोरी नहीं है, ठीक है, कोई अपराध है लेकिन अलग अपराध है, चोरी नहीं है, तो जो भी वो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट होगा वो 1 साल का, 2 साल तक का पनिशमेंट आपको हो सकता है, कितना? 2 साल तक का। लेकिन कंप्रोमाइजेबल ऑफेंस, कौन कंप्रोमाइज करेगा? जिसके घर में आप गए हैं या जिसके वो पोजीशन में है, जो घर, ठीक है, तो वो चाहेगा तो आपसे कंप्रोमाइज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 साल की सजा है, लेकिन अगर आप थेफ्ट अगर कमिट कर देते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा मिलेगी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जानते हैं आईपीसी सेक्शन 482 क्या कहता है, यूजिंग फॉल्स ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क। इसमें कहा जा रहा है कि अब किसी का जो ट्रेड मार्क है या प्रॉपर्टी मार्क है कोई खास तरह का, तो उसको हम यूज कर रहे हैं गलत तरीके से, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पर धारा लगेगा आईपीसी का 482, जिसमें कि हमें 1 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा? जो जिसका लॉस होगा, इस कारण से जिसका लॉस होगा वो चाहे तो आपसे कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद काउंटर फिटिंग ए ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क यूज बाय अनदर, जो दूसरे के द्वारा यूज किया जा रहा है उसका एक नकली बनाकर, एक नकली ट्रेड मार्क बनाकर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आईपीसी का धारा 483 ही बैठेगा, और 483 के अंदर हमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा? वो कंप्रोमाइज करेगा जो लॉस, जिसको लॉस होगा, ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल मालिक है उस ट्रेडमार्क का, वो आपसे चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद नोइंगली सेलिंग और एक्सपोजिंग और पोजिंग फॉर सेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस गुड मार्क विद अ काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क। इसमें कहा जा रहा है कि आप
जिस चीज से वो बनाया जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल वो बनाता है, ठीक है, इस आदमी जैसे फॉर एप्पल, तो एप्पल का एक लोगो है, उस लोगो को ये बनाता है, कोई आदमी बनाता है और उसको बेचता है, ठीक है, किस उद्देश्य से बनाता है, कि उसको बेचना है, मैन्युफैक्चर करता है उसका। तो उस अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब जैसे कोई मोहर है, किसी के नाम का है, आप वो मोहर ही बना के रख लेते हैं और उसको बेचते हैं किसी दूसरे के पास, तो आप पर धारा 486 लगेगा, जिसके तहत आपको 1 साल तक की सजा हो सकता है और फाइन भी हो सकता है उसके बाद। लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा, जो लॉस, जिसको लॉस होगा, ठीक है, यानी जो ओरिजिनल मालिक होगा उसका, उस मोहर का या फिर जो भी चीज़ है उसका, ट्रेडमार्क का, वो चाहे तो आपसे कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद है 491 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ सर्विस। इसमें कहा जा रहा है, ये 491 में यहाँ पर थोड़ा सिर्फ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दिया गया है, लेकिन 491 में कहा गया है कि कोई पागल है या फिर कोई भी आदमी है जो खुद को खुद मतलब कैपेबल नहीं है काम करने का, कोई बच्चा है, तो एक गार्जियन क्या किया, एक आदमी अपॉइंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इसको इसकी देखभाल करूंगा, बदले में इतना पैसा लूंगा। तो अगर वो, और फिर वो आदमी ऐसा नहीं करता है, देखभाल नहीं करता उस आदमी का, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस करता है। कैसे, क्योंकि वो आदमी अब खुद से तो कुछ काम कर नहीं सकता, चाहे वो बूढ़ा है या बीमार है या कोई भी और कारण है, वो खुद नहीं कर पा रहा, जिसको अपॉइंट किया था वो, उसने अगर ऐसा काम नहीं किया, जिस जो वादा उसने किया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर वो ऐसा करने में सक्षम हो गया, तो फिर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा। इसके तहत 3 महीने की सजा और 200 रुपये तक का फाइन हो सकता है, लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा, जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कंप्रोमाइज कर सकता है। एडल्ट्री, एडल्ट्री क्या होता है, 497 IPC के अंदर एडल्ट्री मतलब होता है, आप जानते हैं कि कोई विवाहित औरत है या विवाहित लेडीज है, आप उसके साथ फिजिकल रहते हैं, ठीक है, एज अ वाइफ आप रह रहे हैं, आपकी वाइफ नहीं है वो, कि दूसरे की वाइफ है, आपको ये बात पता है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ रह रहे हैं एज अ वाइफ, तो फिर इसको कहा जाता है एडल्ट्री, ठीक है। अगर ऐसा एडल्ट्री है तो 497 के अंदर आपको 5 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है, लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन करेगा कंप्रोमाइज, हुमेन, हस्बैंड ऑफ द हुमेन, जो उस आदमी का पति होगा वो चाहे तो आपसे कंप्रोमाइज कर सकता है। आप देखिए, कंसेंट है लेडीज का, ठीक है, दो और इधर लड़के का, लेकिन कंप्रोमाइज कौन कर रहा है, जो उसका पति है वो कंप्रोमाइज करेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। 2018 में एक जजमेंट आया था जिसमें एडल्ट्री को क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर से बाहर निकाल दिया गया था, ये पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। उसके बाद 498 में आते हैं, इंटेनिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट ऑफ मैरिड वुमेन। इसमें कहा जा रहा है कि आप किसी भी शादीशुदा औरत को, लेडीज को आप डिटेन करते हैं या एक क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, या तो फिर उसको लेकर भाग जाते हैं, ठीक है, विवाहित औरत को आप लेकर भाग जाते हैं, तो चाप पर धारा कौन सा लगेगा, 498, जिसके तहत आपको 2 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन करेगा कंप्रोमाइज, जो उस जिसको लेकर भागा ना आपने, जो लड़की थी, लेडीज थी, उसका पति चाहे तो आपसे कंप्रोमाइज कर सकता है, ठीक। उसके बाद आईपीसी 500 क्या बोलता है, 500 बोलता है, डिफामेशन एक्सेप्ट सच केसेस एज स्पेसिफाइड अगेंस्ट सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इन कॉलम 1 ऑफ द टेबल अंडर सब सेक्शन 2। इसमें कहा जा रहा है कि डिफामेशन, लेकिन उस चीज को छोड़कर जो कि सब सेक्शन 2 कॉलम 1 में दिया गया है आईपीसी 500 के अंदर, उसको छोड़कर अदरवाइज अगर कोई डिफेमेशन का केस आता है तो वो कंप्रोमाइज किया जा सकता है। कौन कंप्रोमाइज करेगा, जिसको आप डिफेम करेंगे वो आदमी चाहे तो आपसे कंप्रोमाइज कर सकता है, अगर कंप्रोमाइज नहीं करता और प्रूव हो जाता है तो 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। उसके बाद 501 आते हैं, प्रिंटिंग और इनग्रेविंग अ मैटर नोइंग इट टू बी डिफामेटरी, किसी भी चीज को प्रिंट करना, ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि उसको प्रिंट करना, उसको प्रिंट करने से किसी का मान हानि हो रहा है, किसी आदमी का मान हानि हो रहा है, तो आप फिर भी आप उसको प्रिंट करते हैं, तो आप पर धारा 501 के अंदर केस होगा और आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन करेगा कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज करेगा जो आदमी डिफेम होगा वो आदमी कंप्रोमाइज करेगा। उसके बाद सेल ऑफ प्रिंटेड और इनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेनिंग डिफामेटरी मैटर नोइंग इट टू कंटेन सच मैटर। इसमें कहा जा रहा है 502 IPC में कि आप ऊपर क्या था, सिर्फ प्रिंट किया, अब यहाँ पर क्या है, प्रिंट भी किया और बेच भी रहे हैं, ठीक है, ये जानते हुए कि ये डिफामेटरी है, ये इससे किसी आदमी का मानहानि हो रहा है, फिर भी आप उसको प्रिंट करके बेचते हैं, तो आप पर धारा 502 के तहत केस दर्ज होगा और आपको 2 साल तक की सजा मिलेगी, 2 साल तक का सजा आपको हो सकता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उस लेकिन कंप्रोमाइजेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा, जो इसको आपने डिफेम किया है, ठीक। उसके बाद 504 इंसल्ट इंटेंटेड टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ द पीस। अब आप किसी को इस
इस इंटेंशन के साथ किसी का इंसल्ट करते हैं कि ये आदमी उत्तेजित हो जाएगा और यहाँ पर जो पीस बना हुआ है ना, जो शांति भंग हो जाएगा, शांति जो है वो भंग हो जाएगा, इस उद्देश्य से अगर आप किसी का इंसल्ट करते हैं तो आप पर धारा 504 के तहत केस दर्ज होगा और इसके तहत आपको 1 साल तक की सजा और फाइन हो सकती है। लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा? जिसका आपने इंसल्ट किया था वो कंप्रोमाइज करेगा। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसमें कहा जा रहा है कि आप किसी को अगर धमकी देते हैं, ठीक है, किसी को धमकी दे रहे हैं, कोई डरावना धमकी दे रहे हैं, क्रिमिनल इंटेंशन के साथ धमकी दे रहे हैं, तो आप पर धारा 506 के IPC के तहत केस दर्ज होगा और आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा? जिसको आपने धमकी दिया है वो चाहे तो आपके साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद 508 IPC क्या बोलता है? इंड्यूसिंग पर्सन टू बिलीव हिमसेल्फ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिवाइन डिसप्लेजर। इसमें कहा जा रहा है कि ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है कि कोई ऐसा आदमी आपके दरवाजे पर आता है, कोई पुजारी आता है या फिर अघोड़ी आता है कोई भी, या फिर खुद को प्रेटेंट करता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का, मैं पुजारी हूँ, वो आपको बोलता है कि मुझे 10 लाख रुपया दो, या फिर कुछ और भी मांग करता है, नहीं तो तुम्हारा कल बेटा मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान अभी श्राप दे देंगे, भगवान नाखुश हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइन डिसप्लेजर का मतलब क्या है? भगवान का जो प्लेजर है डिसप्लेजर हो जाएंगे, यानी भगवान मतलब खुश नहीं रहेंगे, नाराज हो जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो इस उद्देश्य से अगर आपको कोई विश्वास दिलाकर आपसे वो कोई काम करवा लेता है या फिर करवाना चाहता है तो उस पर IPC की धारा 508 के तहत केस दर्ज होगा, जिसकी सजा 1 साल तक की है और फाइन भी है। लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन कंप्रोमाइज करेगा? जिसको वो इंड्यूस किया था या करने का कोशिश किया था, ठीक, वो आदमी चाहे तो कंप्रोमाइज कर सकता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये भी बहुत लंबा जाने वाला है, 3 पार्ट में मैं पक्का खत्म कर दूंगा इसको, क्योंकि हम IPC के हर एक सेक्शन के साथ पढ़ रहे हैं इसीलिए लंबा होता जा रहा है, और अभी भी 320 में बहुत सारा है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको खत्म कर देंगे, नेक्स्ट डे में खत्म हो जाएगा। जय हिंद।